गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है 14 स्टैटिस्टिक्स। 14.1 एक्सरसाइज है बेटा। 14.1 एक्सरसाइज में कहते हैं कि ऐसे डाटा कलेक्ट करने हैं कि जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को शो करें। जैसे हम क्लासरूम में अपने क्लास के अंदर ये लगा सकते हैं कि हाइट हो, किस बच्चे की हाइट किसके अकॉर्डिंग है, कितने बच्चों की हाइट इसके अकॉर्डिंग है, कितने बच्चों की हाइट इसमें आती है, ठीक है। और हम ये भी कर सकते हैं, एक टेस्ट लिया मान लो क्लास के अंदर, तो क्लास में टेस्ट लेने के बाद मार्क्स की बात आ जाती है, तो मार्क्स में क्या आ जाता है, मार्क्स में आ जाता है हमारा भाई, मान लो हमने 20 मार्क्स का टेस्ट लिया, 0 to 5 ले नंबर लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 5 to 10 वाले कितने हैं, 10 to 15 वाले कितने हैं, 15 to 20 वाले कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे एक्सरसाइज 14.2 के अंदर है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, द ब्लड ग्रुप्स, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। क्या बच्चों कि क्लास 8 के 30 स्टूडेंट्स हैं, उनका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। जो ब्लड ग्रुप है वो कैसे आता है वो देखिए। ब्लड ग्रुप आया फर्स्ट स्टूडेंट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का ओ, फोर्थ का ओ, फिफ्थ का ए बी, सिक्स का ओ, सेवन्थ का ए, एट्थ का ओ, नाइन्थ का बी, टेंथ का ए, इलेवेंथ का ओ, फर्स्ट का ए बी ओ ओ ए बी ओ ए ओ बी ए ओ बी ए ओ ओ, ठीक है। नेक्स्ट ए ए बी ओ ए ए ओ ओ ए बी बी ए ओ बी ए बी ओ। क्या है ये क्लास 8 के अंदर 30 स्टूडेंट हैं, उन 30 स्टूडेंट का जो ब्लड ग्रुप है चेक किया गया डॉक्टर के द्वारा, तो वो ब्लड ग्रुप ये आए हमारे पास पूरी क्लास का। तो क्या कहता है इसको, रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में राइट करते हैं, फिर क्या है देखिए आगे की बातें बाद में देखेंगे, पहले इसी को 30 स्टूडेंट्स है क्लास 8 के, उन 30 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप चेक किया गया, जो ब्लड ग्रुप ये हुआ, ठीक है बेटा। अब हम इनको लिखते हैं कैसे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड ग्रुप, ठीक है, ऐसे टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लड ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है बेटा। ब्लड ग्रुप सबसे पहले हम ए ले लेते हैं, ए ब्लड ग्रुप के कितने बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्टूडेंट ऐसे हैं क्लास के अंदर जिनका ब्लड ग्रुप ए है। उसके बाद हम बी ब्लड ग्रुप के लेते हैं, बी ब्लड ग्रुप के 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे आगे बी ब्लड ग्रुप के। फिर हम लेते हैं ओ ब्लड ग्रुप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो कितने आए हमारे पास 12। उसके बाद लेते हैं हम ए बी,
वन टू थ्री टोटल हमारे 30 स्टूडेंट थे, हम काउंट कर लेते हैं 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 2 17 प्लस 3 20, 0, 2 प्लस 1 3 30 हो गए। तो हमें क्या बोला गया था, एक तो ये बोला गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, हमने ये बना दिया। कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास जो 30 स्टूडेंट हैं उन 30 स्टूडेंट में ए ब्लड ग्रुप के 9 स्टूडेंट हैं, बी ब्लड ग्रुप के 6 स्टूडेंट हैं, ओ ब्लड ग्रुप के 12 स्टूडेंट हैं, ए बी ब्लड ग्रुप के 3 स्टूडेंट्स हैं। अब आगे क्या कहते हैं, मोस्ट कॉमन विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट। मोस्ट कॉमन क्या हुआ इसमें, और पूछ रहा है आपको रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दी स्टूडेंट्स, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। मोस्ट कॉमन क्या होता है बेटा, जो मैक्सिमम स्टूडेंट है उनके अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो मोस्ट कॉमन। मैक्सिमम कौन सा है, ओ, मोस्ट कॉमन ओ। रेयरेस्ट में क्या आया, ए बी सबसे कम, रेयरेस्ट। यानी कि क्लास 8 के 30 स्टूडेंट का जो ब्लड ग्रुप टेस्ट किया गया उसकी एक तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। ब्लड ग्रुप लिख दिया एक तरफ हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई। नंबर दो पे आपसे पूछा गया मोस्ट कॉमन जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं, जिस ब्लड ग्रुप के अंदर वो मोस्ट कॉमन ओ है 8th क्लास के बच्चों के लिए, और रेयरेस्ट क्या हुआ, ए बी। ठीक है बेटा, सेकेंड क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर फ्रॉम देयर रेजिडेंस ऑफ देयर प्लेसेस। सेकेंड क्वेश्चन है द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। तो 40 इंजीनियर का रेजिडेंस बता रहा है कि जहाँ पर वो काम करते हैं उनसे उनका जो घर है वो कितने किलोमीटर पे है। तो वो दिया है 5, 3, 10, कॉमन लगाना है कॉमन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 20, 25, 11, 13, 7, 12। ये एक मिसप्रिंट है बेटा, नज़र नहीं आ रहा, मैं भी 3 लिख रखा है, अब उस 31 है या जो भी है कंफर्म नहीं है, यहाँ तो जो मेरे पास है मैं 3 लिख रहा हूँ अभी, 3, 19, 10, 12, 17, 18, 11, 32, 17, 16। ये यहाँ भी मिसप्रिंट है बेटा, 2 के पीछे अब ये नहीं पता कितना है, तो मैं एक बार 2 लिख रहा हूँ। चलो जो भी हो आप अपनी बुक में देख लेना, आपको क्वेश्चन क्लियर करवाना है। ठीक है, 7, 9, 7, 8, 3, 5, 12, 15, 18, 3, 12, 14, 2, 9, 6, 15, 15, 7, 6, 12। कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 फॉर द डाटा गिवन अबाउट टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एट 0 to 5। व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो डिस्टेंस इन किलोमीटर, नंबर ऑफ
इंजीनियर्स ये आपको बनानी है टेबल, ठीक है। देते जीरो टू फाइव, जीरो टू फाइव। अब मैक्सिमम देख लो इसके अंदर कितना है, मैक्सिमम मैक्सिमम इस लाइन में 25 तक आ गया, यानी कि 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25, इसमें 32 भी आ गया बेटा, यानी कि 30 तक भी जाएंगे, 32, 35, बस मैक्सिमम यही है। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, 0 टू 5 का मतलब क्या है कि 0 टू 5 का मतलब होता है बेटा 0 से लेकर 4.9 तक, 5 इंक्लूड नहीं होता इसके अंदर। 5 बुक में आपके लिखा हुआ है, बुक में ये मेंशन किया हुआ है 0 टू 5, 5 नॉट इंक्लूड इंक्लूडेड, 5 नहीं होगा, 0.9 4.9 तक ले सकते हो, यानी 5 इसमें काउंट नहीं होगा। अब आपने देखने 0 टू 5 के बिटवीन कितने हैं, इसमें 1, 2, 5 तो लेना नहीं, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इंजीनियर जिनका घर अपने वर्क प्लेस से 0 से 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर से कम है। आगे 5 टू 10, 10 नहीं आएगा इसके अंदर, 9.9 तक 5 जरूर होएगा, 5 इसमें इंक्लूड होएगा। लोअर लिमिट इसमें इंक्लूड होती है, जिसमें 0 इंक्लूड था, 5 टू 1, 5 आएगा इसमें, 1, 2, 10 नहीं आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे हैं जिनका हाउस 5 टू 10 किलोमीटर के बिटवीन है। अब 10 टू 15, 10 इंक्लूड होएगा, 15 नहीं होएगा, 10 टू 15 इसमें देखो, 1, 2, 3, 10 टू 15, 4, 5, 6, 7, 8, 15 नहीं आएगा, 9, 10, 11, 15 टू 20, 15 आएगा, 20 नहीं आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ठीक है। अब 20 टू 25 किलोमीटर वाले, 25 नहीं आएगा, 20 आएगा, 1, 1, 25 टू 30, 25 आएगा इसमें, 1, ठीक है। अब थर्टी से वो वन, अब एक बार दोबारा चेक करते हैं, ये हमारे टोटल गिनते हैं, 6 + 1 = 7, 8, 16, 17, 18, 19, एक रह गया अभी, देखिए क्या रहता है। 0 टू 5 में दोबारा काउंट करते हैं, 5 नहीं आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, बिल्कुल। 5 टू 10 में दोबारा चेक करो बेटा, 5 आएगा, 1, 2,
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ये भी ठीक है। अब क्या है, टेन टू फिफ्टीन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नहीं ये तो टेन टू फिफ्टीन कर रहे थे हम, दोबारा देखो बेटा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ठीक है। ये फिफ्टीन टू ट्वेंटी, फिफ्टीन टू ट्वेंटी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, बस यही मिस्टेक थी। तो आपने करना क्या बेटा, एक बार दोनों क्वेश्चनों को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। आपको दिया कि 30 स्टूडेंट है 8th क्लास के, उनके ब्लड ग्रुप के टेस्ट लिए गए, ये टेस्ट लिए गए, उनके आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो ब्लड ग्रुप लिख दिया ए बी ओ और ए बी थे, इनमें हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कर लिए, ए ब्लड ग्रुप में कितने हैं, बी में कितने हैं, ओ में कितने हैं और ए बी में कितने हैं। मोस्ट कॉमन पूछा था, मोस्ट कॉमन ओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा 12 है हमारे पास, ठीक है ना, ये 12 मैक्सिमम था। रेयरेस्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ए बी ब्लड ग्रुप पूछा है। अब क्या है, 40 इंजीनियर हैं, उनके रेजिडेंस दे दिए, अपने जहाँ पर काम करते हैं उससे कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, तो वो ये लिखे हुए हैं, इनकी ग्रुप फ्रिक्वेंसी बनानी थी हमने, तो ये बना दिए। तो ये फर्स्ट टू क्वेश्चन है बेटा आपके, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, ऐसे मिलते जुलते हैं, अगर कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर लेंगे। तो आज का काम बेटा आपका इतना, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। थैंक यू।